फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी के क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में। कंपनी के देखिए Q4 के नतीजे आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात देखिए, कंपनी यहां पे घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। पहले कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया था, नंबर्स इस बार आए, इसमें कंपनी को देखिए प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स के, कैसे रिजल्ट्स निकल के आए, क्या स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे मंडे के सेशन में आपको क्या करना होगा, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको पीएनबी के क्वार्टर फोर के नंबर्स दिखाता हूँ, कैसे नंबर्स निकल के आए हैं। तो देखिए, पीएनबी Q4 FY21 कंसोलिडेटेड पीएटी एट रुपीज़ 700.8 करोड़। तो देखिए, यहाँ पे करीबन 700 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी को देखिए प्रॉफिट आपको होता हुआ नज़र आया है। कंसोलिडेटेड नंबर्स देखिए आपको बता रहा हूँ मैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि देखिए कंपनी ने यहाँ पे आपको जो टोटल इनकम रिपोर्ट की है वो यहाँ पे करिए 22,779 करोड़। देखिए, ये जो नंबर्स आपको बता रहा हूँ मैं, पहले Q1Q बता रहा हूँ, बाद में YOY के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी की आपको टोटल इनकम है उसमें देखिए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। जो पहले 23,639 करोड़ थी वो यहाँ से घट के 22,779 करोड़ हो चुकी है। तो Q1Q में आप देखेंगे कंपनी के आपको टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट कितना हुआ आपको देखने को मिला है, तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार देखिए 700 करोड़ रुपये देखने को मिला है, जो पहले 747 करोड़ था। तो आपको कंपनी के Q1Q में देखेंगे तो नंबर्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। Q1Q में आप कंपनी के टोटल इनकम प्लस कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखिए आपको कम होते हुए नजर आए। कंपनी की EPS के ऊपर अगर हम बात करें तो कंपनी का EPS पहले 0.78 था, वो यहाँ से देखिए कम होकर 0.67 हो गया। तो कंपनी ने Q1Q में आप देखेंगे तो थोड़ा सा निराश किया है। Q1Q में देखिए नंबर्स थोड़े से ख़राब निकल के आए। Q1Q में आप देखेंगे तो करीबन 3.64% यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम घटी है, 6.22% कंपनी का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट घटा है, और करीबन 14.1% यहाँ पे कंपनी का आपको EPS यानी अर्निंग पर शेयर आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली Q1Q थोड़ा सा कंपनी ने निराश किया है, लेकिन YOY देखिए मेनली होता है कि आपको कंपनी एक साल में कितना प्रदर्शन करके दिखा रही है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कंपनी में आप देखेंगे पहले जो 16,824 करोड़ टोटल इनकम हुआ करती थी वो देखिए यहाँ से बढ़ के 22,779 करोड़। तो YOY में आप देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम में एक बहुत बड़ी बढ़त आपको देखने को मिली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कंपनी देखिए घाटे से मुनाफे में आ गई है। 820 करोड़ का जो घाटा कंपनी ने पेश किया था उसके सामने अभी 700 करोड़ रुपए का देखिए कंपनी को यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आया। तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल गया है, क्योंकि 820 से देखिए 700 करोड़ का प्रॉफिट क्यों हुआ, देखिए ये आपको पता है कि कंपनी ने मर्ज हुए काफ़ी कम, देखिए बैंक्स छोटे छोटे कंपनी के अंदर मर्ज हुए, इसके कारण देखिए कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़ा, इसके कारण देखिए कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है। और जो पहले EPS आपको यहाँ पे 1.22 नेगेटिव पे हुआ करता था, देखिए वो यहाँ पे 0.67, तो EPS में भी एक बड़ी बढ़त। तो YOY कंपनी ने देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इतना किया है, बिलो एस्टिमेट्स कह सकता हूँ नंबर से। कंपनी ने यहाँ पे करीबन 900 करोड़ का फायदे की देखिए यहाँ पे एस्टिमेट्स माने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी को 700 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपको यहाँ पे कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिला है, कोई ख़राब नहीं है। 35% की बढ़त आपको कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है, 185% देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और EPS 154% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे YOY जो कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया देखिए नंबर्स निकल के आए। अब कंपनी के देखिए टोटल अगर हम देखें 2019-20 और 2021 इसको कंपेयर करते हैं तो वो कितना देखने को मिला, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखने को मिलेगा आपको जो 2019-20 में कंपनी की जो आपको जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 435 करोड़ था, देखिए वो बढ़ के 2561 करोड़। तो आप देखिए कंपनी का टोटल कितना इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको, जो 64,306 करोड़ के आसपास कंपनी के टोटल इनकम देखने को मिलती थी वो यहाँ पे दोस्तों आपको 94,990 करोड़। तो कंपनी ने हर एस्पेक्ट में बढ़िया किया है। Q1Q में देखिए नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से निराश करते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बेहतरीन है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर देखिए कंपनी ने नंबर्स पेश किए हैं, थोड़े से नीचे नंबर्स डेफिनेटली आए हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। घाटे से मुनाफा हमें आना ही देखिए सबसे बड़ी बात होती है, और कंपनी देखिए वो करने में बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया रही है, खरी साबित हुई है। तो देखिए पीएनबी आज रिजल्ट से पहले डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आया था, करीबन 60 पैसे के आसपास स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, करीबन 1.5% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में आप देखेंगे तो बेहतरीन तेजी हो रही है। और अब जब देखिए नंबर्स निकल के आ चुके हैं तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं। यहाँ पे Q1Q में थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन आप देखेंगे कंपनी के YOY नतीजे बेहतरीन है, कंपनी के EPS बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है देखिए साल भर साल। और यहाँ पे आप देखिए स्टॉक के अंदर डेफिनेटली इसमें हरकत होती हुई देखने को मिलेगी। देखिए ये
स्टॉक पिछले 5 साल में आपको कोई खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, करीबन 50% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ नजर आया, और देखिए जहाँ के लेवल्स में मिलता था वहाँ से कितना ज़्यादा नीचे आया। लेकिन अब देखिए नंबर्स निकल के आए तो डेफिनेटली ये थोड़े से आपको बढ़िया आते हुए नजर आए। थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग देखो तो देखिए स्टॉक 40 रुपये के तो नीचे बिल्कुल भी जाने नहीं वाला है। जो सोच रहे होंगे कि देखिए नंबर्स Q1Q खराब है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 40 रुपये के नीचे स्टॉक को जाना काफ़ी मुश्किल है, और एक तेज़ी आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए कंपनी ने नंबर्स बढ़िया पेश किए हैं, जो खराब नंबर्स थे पहले उसको बढ़िया करते हुए नजर आए। डेफिनेटली क्वार्टर क्वार्टर थोड़े से खराब, लेकिन YOY कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो जिन लोगों को यहाँ पे खरीदारी करनी है वो डेफिनेटली खरीदारी करके चलें। करंट लेवल्स के आसपास मेरी खरीदारी की सलाह होगी, और मेरे को लगता है कि अगले हफ्ते ये स्टॉक आपको 50 रुपये के टूवर्ड्स आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली टारगेट्स आपको बड़े बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अचीव हो जाए। मंडे को अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करूँ तो देखिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, यहाँ पे वो होगा करीबन 41 का। 41 को ब्रेक करेगा, स्पेशली 40 को ब्रेक करेगा तब दिक्कत बनेगी। 41 एक सपोर्ट है, फिर 40 आता है, स्टॉप लॉस 41 का मेंटेन करके चलिए जिन लोगों को यहाँ पे रिस्क कम लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।